जी स्टूडेंट्स, आपको फार्मूला समझ आ गया था? किसी को नहीं आया तो वो बता दें ताकि हम इसको डिस्कस कर लें। अगर समझ आ गया था तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। मैम थोड़ा सा डिस्कस कर दें। यस मैम, इसमें सेक्टर का थोड़ा बता दें। थोड़ा सा करना है, ज्यादा सा करना है? मैम जितना आप करवा दें। मैम ज्यादा। मैम जैसे आप मुनासिब समझे। मैम पूरा। जी जी, बॉयज में से कौन बोल रहा था? डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स और डेफिनेट हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स ही होता है, लेकिन बाय डेफिनेशन हमने आगे मूव करना है। और सबसे पहले तो उसने कंपैरिजन किया है साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स के ग्राफ्स का, जो कि आपको नजर आ रहा है। ग्राफ क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। So by using definition, we have to find out the derivative in this way, f prime of x, and this you can see here. You can open the formula sin alpha plus beta sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. So यहाँ पे alpha beta आपका in terms of x and h आ रहा है, तो sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta term में ये open होता है, जो कि आपने second year में ही पढ़ा हुआ है formula. उसके बाद साइन एक्स कॉज एच माइनस साइन एक्स, ये इस टर्म को उसने अलहदा कर लिया है और ये टर्म जो है इसको सेपरेट कर दिया है। यहाँ से साइन एक्स आपका कॉमन आ चुका है और यहाँ से कॉज एक्स कॉमन ले लिया है। कॉज एच माइनस वन ओवर एच इस टर्म को डील करेंगे और इस टर्म को हम यहाँ पर डील करेंगे। So limit h approaches to zero sine x, limit h approaches to zero cos h minus 1 over h plus limit h approaches to zero cos x dot h approaches to zero sine h over h. Two of these four limits are easy to evaluate since we regard x as the constant. यहाँ पे x constant के तौर पे deal हो रहा है। जब भी हम partial derivatives को discuss करते हैं, बेसिकली जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो एक से ज्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिस्कस होते हैं। उसमें जब हम डेरिवेटिव एक के रिस्पेक्ट से ले रहे हो तो दूसरे को हमेशा हम कॉन्स्टेंट के तौर पे डील करेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्लासेस का काम है, लेकिन यहाँ पे वो यही टर्म यूज करता है कि जब आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लिमिट को डिस्कस कर रहे हो तो दूसरा वेरिएबल जो है वो कॉन्स्टेंट के तौर पर डील होगा। तो यहाँ एक्स कॉन्स्टेंट के तौर पर डील होगा, जो वेरिएबल टर्म है वो हमारी यहाँ पे एच है। We regard x as the constant when computing a limit as h approaches to zero. जब h की रिस्पेक्ट से लिमिट को हम कंप्यूट करें तो x कांस्टेंट के तौर पर डील होगा। लिमिट h approaches to zero sin x is just sin x, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो किसी h जो है वो किसी कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, आंसर sin x ही है। एंड नेक्स्ट लिमिट h approaches to zero cos x, आपका आंसर cos x ही है क्योंकि h वेरिएबल जो है वो cos x को कांस्टेंट के तौर पे डील करता है। ओके, सो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा बेसिकली इस टर्म पे लिमिट h approaches to zero और हमारी इस टर्म के ऊपर, जब लिमिट h approaches to zero sin h over h है। The limit of sin h over h is not so obvious. उसने कहा ये हमारे लिए सो बहुत ज्यादा मतलब कंडीशन जो है वो क्लियरफुल नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनको डिस्कस करते हैं तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ एंगल डिस्कस होते हैं। मीन्स हम जो वैल्यूज हैं वो इन टर्म्स ऑफ पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू या रेडियंस के अंदर मेजर करते हैं। तो हम ये जो टर्म है हमारे लिए इतनी क्लियर नहीं है। इन एग्जाम्पल 2.2.3 वी मेड द गेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल एविडेंस दैट हम इस टर्म को रिप्लेस कर देते हैं थीटा में और कह सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा जो है हमें एक आंसर वन देता है। कैसे देता है ये भी हम सारा प्रूफ करेंगे। सो जब हम इस टर्म को प्रूफ कर लेंगे तो ऑन दैट बेसिस ऑफ दिस टर्म वी कैन से दैट साइन एच ओवर एच आल्सो अप्रोचेस टू वन व्हेन एच अप्रोचेस टू जीरो। सो ये आगे जो है वो इस टर्म को प्रूफ करेगा। ओके, प्रूफ करने के लिए वो एक ट्राइंगल शेप लेगा। ट्राइंगल शेप सारी आपके सामने क्लियर है कि उसने किस तरह से डिस्कस की हुई है। एक आपकी ग्रेटर ट्राइंगल है, उसके अंदर एक स्मॉल ट्राइंगल भी डिस्कस हुई है।
उसके अंदर हमने सर्कल का जो सेक्टर है उसको भी डिस्कस करना है, सारी कंडीशंस जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वही नो यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आर्गुमेंट टू प्रूव इक्वेशन नंबर टू। इस इक्वेशन नंबर टू को लिखना प्रूव करने के लिए हम एक ज्योमेट्रिक आर्गुमेंट जो है वो यूज करेंगे। अस्यूम फर्स्ट दैट थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। सबसे पहले हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा थीटा है वो 0 से पाई बाय 2 के दरमियान लाई करा। सो पाई बाय 2 आपका एग्जैक्ट यहाँ पे पॉइंट है। अब थीटा हम उसके दरमियान कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हमने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू सपोज कर ली कि जो हमारा थीटा है वो 0 से पाई बाय 2 के दरमियान है। कोई भी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। फिगर 2A शोस द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0। ये हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल है विद सेंटर 0। सेक्टर ऑफ सर्कल दैट इज दिस विद सेंटर 0। उस सर्कल का हमने जो सेंटर लिया है वो 0 लिया। अब इस सेक्टर में अगर ये सेक्टर को शो कर रहा है तो 0 से उस सर्कल का जो सेंटर है उसका रेडियस उसने 1 ले लिया है। सेंट्रल एंगल थीटा एंड रेडियस 1, और उसका रेडियस जो मींस या सर्कल जो सेक्टर के साथ डिस्कस हो रहा है ये जब जाएगा तो इस तरह की फॉर्म में ये ओपन होगा, हर जगह उसका रेडियस जो है वो 1 डिस्कस होगा। BC इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AA। ये अब अगर ओ भी डिस्टेंस या रेडियस आपका यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी रेडियस आपका 1 ही होगा। इट मीन्स ओ भी इक्वल होगा ओ ए के हमेशा। ओके, सो BC इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ओ ए। हमने ये BC ट्राइंगल जो है यहाँ पे एक लाइन जो है वो ओ ए के परपेंडिकुलर ड्रा की है, जस्ट अपनी ट्राइंगल को स्मॉल वे में लेने के लिए। By the definition of radius, एक मिनट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। यस मैम। ओके। यस मैम। ओके ठीक है। सो BC इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AA। OA के ऊपर हमने जो BC है एक लाइन जो है वो ड्रा की है। By the definition of radian meyer we have RKB is equal to theta। ये जो RKB हमारी discuss हो रही है ये हमारे पास क्या है, theta है। Also BC magnitude is equal to OB magnitude sin theta। हमेशा हमारे पास किसी भी triangle के मुताबिक ये हमारी अगर base है तो BC over OB जो है ये आपकी हमेशा sin theta होगी। OC over OB जो है ये हमेशा आपकी क्या डिस्कस होगी, cos theta के साथ डिस्कस होगी। सो BC और मैग्नीट्यूड ओवर OB मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू sin theta। OB आपके पास क्या है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, दैट इज 1। तो ये 1 जस्ट आपके पास क्या आ जाएगी, sin theta आ जाएगी। फ्रॉम द डायग्राम वी सी दैट, अगर हम इस डायग्राम को डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ BC दैट इज BC इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ AB। ए बी से लेस है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन थोड़ी हमारी मूवमेंट की फॉर्म में है तो हमें उससे क्लियरली बड़ी नजर आ रही है। और ए बी मैग्नीट्यूड जो है वो आर के बी से लेस है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हम सेकंड लाइन के तौर पर डिस्कस करते हैं। ये हमारी एक कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन हमारे पास हमेशा बड़ी होती है सेकंड लाइन से। सो ए बी सेक्टर का जो एरिया है या आर्क ऑफ ए बी है ये हमारे पास ग्रेटर होती है हमेशा ए बी स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड से। सो BC आपके पास क्या था, साइन थीटा थी, लैट इज लेस देन AB, और AB किससे लेस थी, आर के बी से, और आर के बी आपके पास क्या है, थीटा है। आर के बी जो डिस्टेंस है वो बेसिकली हमारा कौन सा डिस्टेंस है, थीटा डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। दोनों साइड्स पे आप थीटा से डिवाइड कर दें तो साइन थीटा और थीटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। लेट द टेंजेंट लाइंस एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट ई। अब उसने एक सर्कल और एक पॉलीगोन, उसी सर्कल के ऊपर उसी शेप में एक पॉलीगोन जो है वो ड्रा कर दी है। और पॉलीगोन को ड्रा करने की बेसिकली हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि हमने स्ट्रेट लाइन के साथ साथ जो सेक्टर्स के एरिए थे उनको भी डिस्कस करना था। लेट द टेंजेंट लाइंस एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट ई। ए के ऊपर या बी के ऊपर जब भी हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे उसने कहा हमेशा वो ई को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी हमारी लाइंस। यू कैन सी फ्रॉम फिगर टू बी दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द सर्कमस्क्राइब पॉलीगोन। ये हमारी पॉलीगोन है और इसका सर्कमफेरेंस जो है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस से ज्यादा है क्योंकि कुछ एरिया ज्यादा कवर हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। क्लियर है? ओके। एंड सो आर ए बी इज लेस देन ए ई प्लस ए बी। अब आर के भी, अगर ये आर्क जो इनर में आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है, इस आर्क को अगर हम देखें तो ये जो आर्क ए बी है ये लेस देन है हमारे पास ए ई प्लस ई बी क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा ज्यादा है, इससे हमेशा ये आर्क लेस हो। दस
आर के बी आपके पास क्या थी, थीटा थी, हमने पहले ही कंसीडर किया हुआ है, दैट इज आर के बी लेस देन ए ई प्लस ई बी। अब ए ई तो आपका एज इट इज मौजूद है, लेकिन ई डी जो है वो ई बी से भी लेस है। ई डी, ई डी आपका क्या है, उसने कहा है कि दैट इज दिस ई बी, ई बी डिस्टेंस इज लेस देन ई डी। यहां से आपको ये भी नजर आ रहा है कि जो ई बी डिस्टेंस है वो आपका ई डी से भी लेस है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, ई बी इज लेस देन ई डी। Yes, ma'am. अब ए ई आपका प्लस ई डी, ये कंडीशन यहाँ से हमारे पास क्या है कि ई बी जो है वो लेस देन है किससे, ई डी मैग्नीट्यूड से। ओके, दैट इज इक्वल टू ए डी। अब ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी जो है टोटल लेंथ जो है वो आपकी किसके इक्वल है, ए डी के, और ए डी ओवर ओ ए That is equal to tan theta। अगर आप triangles के areas को discuss करें या triangles के angles को discuss करें तो हमारे पास AD over OA जो है वो हमेशा क्या होता है, tan theta होता है। So AD over OA magnitude equal to tan theta, जिसको आप AD is equal to OA भी लिख सकते हैं tan theta। अब OA क्या है, OB के equal है, और OB हमें क्या given दिया हुआ था, that is one, it means OA भी one है, तो इसकी हमारे पास जो length है वो भी one discuss होगी। That is just equal to tan theta. So theta is less than equal to tan theta is proved directly from the definition. यहाँ से theta हमारे पास क्या आ चुका है, इन definition के और इनके according theta जो है वो less than हो चुका है, less than equal to tan theta के। या उसने यहाँ पे चूंकि strict inequality use की है, तो वो कह रहा है कि theta is less than sin theta over cos theta, क्योंकि tan theta आपका किसके equal होता है, sin theta over cos theta के होता है। अब क्या करेंगे हम, इसको ऊपर हमने जो इक्वेशन ली थी उसमें हमारा साइन थीटा और थीटा जो है वो लेस देन वन था, सो कॉस थीटा को आप यहां से इस साइड पे ले जाएं और थीटा को इस साइड पे ले आए, तो कॉस थीटा लेस देन साइन थीटा और थीटा, और अकॉर्डिंग टू दैट साइन थीटा और थीटा जो है वो लेस देन वन है, तो ये हमारी इनइक्वालिटी जो है वो आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पे हम सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम जिसको बोलते हैं वो यूज करेंगे, और हम अपनी लिमिट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो कॉस थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू वन, एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू साइन थीटा ओवर थीटा। थीटा अप्रोचेस टू जीरो जब वन के ऊपर डिस्कस होगा तो वन ही आंसर देगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है। थीटा अप्रोचेस टू जीरो कॉस जीरो भी वन देगा, ये भी आंसर वन है, ये भी आंसर वन है। यू सो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो प्लस या जीरो माइनस, दोनों फॉर्म में आपको वन ही देगा। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू वन, विच इज प्रूफ, होल कंप्लीट प्रूफ। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आप लोगों का, तो आप उसके बाद डिफरेंशिएट y is equal to x square sin x, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, यूज द प्रोडक्ट रूल एंड फार्मूला 4। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और अपना डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ हमारी है कि डेरिवेटिव ऑफ cos x जो है वो माइनस sin x है, डेरिवेटिव ऑफ tan x जो है वो आपका secant square x है बाय फार्मूला। इसको अगेन उसने दो फंक्शंस की फॉर्म में ले लिया, quotient rule जो है वो अप्लाई कर दिया, नोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एंड दिस फार्मूले के बाद जो डेरिवेटिव है tan का वो आपके पास क्या है, secant square x है। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस हुए हैं कि sin का डेरिवेटिव क्या है, cos का क्या है, tan का क्या है, ये उसने फाइंड आउट किए हैं, और cosecant, secant और cot के उसने जस्ट लिख दिए हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, डिफरेंशिएट f of x secant x ओवर 1 plus tangent f, व्हाट वैल्यू ऑफ x डस द ग्राफ ऑफ f हैज द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। किस वैल्यू के लिए जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है वो रखता है, हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हमेशा तब एग्जिस्ट करती है जब डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को पढ़ ले, किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग डिस्कस कर लें। डायग्राम समझ नहीं आ रही, डायग्राम जी बेटा, डायग्राम हमारे पास ये टेंज है, जो टेंज है ऑफ एक्स और उसके डेरिवेटिव्स के ग्राफ्स हैं। हमें पता है कि जो हमारा ये जो फंक्शन है ये किन पॉइंट्स पे इनफिनिट होगा, जो हमारे पास टेंज की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आएंगी जहां पर हमारा फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट फॉर्म में चला जाता है, तो हमने हर उस वैल्यू के लिए इस ग्राफ को डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आएंगे जहां पे डिसकंटिन्यूटी होगी इस फंक्शन की। ठीक है, तो ये उसने जूम करके बनाए हुए हैं, माइनस थ्री
और 5 के दरमियान ग्राफ को डिस्कस किया हुआ है, तो ये सारी आपकी कैलकुलेशन जो है ये कंप्यूटर ग्राफिंग की है। जस्ट आपका जो फंक्शन है वो आपको बताता है कि बहुत सारे रेंज के ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपका फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट मैनी डिसकंटिन्यूटीज जो है वो आपको देता है। ठीक है? यस मैम। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हमेशा हमारी तब आती हैं जब एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो होता है, और एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारा जीरो कब हो रहा है? उसने कहा है कि किसी भी एक्स के पॉइंट के लिए सेकेंड एक्स तो कभी भी जीरो नहीं होता। टेंज एक्स हमारा जो है वो अगर हमारे पास वन हो तो हमारा एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वन माइनस वन आपको आंसर क्या दे देता है, जीरो। और टेंज एक्स वन कब होगा? एंड दिस अकर्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय फोर। हर इन पॉइंट्स के ऊपर जो टेंज एक्स है वो आपका वन आ जाएगा जब एन की वैल्यू आप जीरो रखेंगे, वन रखेंगे, टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, या माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। हर उस पॉइंट्स के ऊपर आपको टेंज एक्स की वैल्यू जो है वो वन मिलेगी व्हेन एन इज एन इंटीजर। और यही बताना था कि एक्स की वो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास एफ जो है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है वो रखता है। मैम यहाँ पे सेकेंड एक्स जीरो क्यों नहीं हो सकता? जी सेकेंड एक्स किसी भी वैल्यू के लिए वो जीरो नहीं देगा ना आपको। ओके मैम। सेकेंड एक्स आपका उसी वक्त जीरो होगा जब इसके साथ जीरो जो है वो आपका शामिल हो रहा है। ठीक है? कंडीशन में अकॉर्डिंग टू the domain of the functions. Okay, trigonometric functions are often used in modeling real world phenomena, in particular vibrations, waves, elastic motions and other quantities. So periodic motion के अंदर भी हम जो trigonometric functions हैं उनको discuss करते हैं। जैसे कि उसने एक स्प्रिंग की जो मोशन है उसको डिस्कस किया है। जो स्प्रिंग है वो अपनी रेस्ट पोजीशन में जीरो के ऊपर मौजूद है, उसको हम थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच करते हैं और फोर तक लेके आते हैं। फोर तक लाने के बाद हम ये स्प्रिंग जो है इसको रिलीज कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो ये फोर और माइनस फोर के दरमियान ऑसिलेट करता है। जो हम जीरो से बिलो एरिया डिस्कस कर रहे हैं, फोर डिस्कस कर रहे हैं, वो हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, और जब जीरो से अबव फॉर्म में जाएगा तो वो माइनस फोर डिस्कस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, जीरो पे स्प्रिंग अपनी रेस्ट पोजीशन में है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं फोर पोजीशन तक लेके आते हैं और यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। जब छोड़ते हैं तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है और माइनस फोर के दरमियान मींस वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हमने उसकी स्पीड और उसका एक्सेलरेशन जो है उनको डिस्कस करना है। सो एन ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द वर्टिकल स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 4 सेंटीमीटर बियॉन्ड इट्स रेस्ट पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एट द एंड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग, एक ऑब्जेक्ट हमने जो ले लिया वर्टिकल स्प्रिंग के एंड पे, स्ट्रेच 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को स्ट्रेच करते हैं बियॉन्ड इट्स रेस्ट पोजीशन, उसकी रेस्ट पोजीशन से, एंड रिलीज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे लाके उसको रिलीज कर देते हैं। सी फिगर 5 एंड नोट दैट द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, इट मीन जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी वो आपकी नेगेटिव होगी। इट्स पोजिशन एट टाइम टी इज एस इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 4 cos t। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी एंड यूज देम टू एनालाइज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनको यूज करते हुए अपने जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को भी डिस्कस करना है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर वेलोसिटी, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज d ओवर dt, 4 cos t दैट इज इक्वल टू माइनस 4 sin t। और जो एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज माइनस 4 cos t। अब ये एक हमारे पास जो s है 4 cos ऑफ t, एक तो हमने उसकी जो है डायग्राम वो डिस्कस करनी है, दूसरी हमने जो वेलोसिटी हमारे पास माइनस 4 sin t है उसकी वेलोसिटी को डिस्कस करना है, और जो एक्सेलरेशन है उसकी वेलोसिटी को डिस्कस करना। अब हमें पता है कि जो साइन और कॉस है इनकी जो
ग्राफ्स हैं वो माइनस वन से वन के दरमियान ऑसिलेट करते हैं हमेशा, और इस फोर के साथ वो वन और माइनस वन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर माइनस फोर से फोर तक ऑसिलेशन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं दोबारा बता दें, जो साइन और कॉस के ग्राफ होते हैं वो बेसिकली हमेशा माइनस वन से वन के दरमियान ऑसिलेट करते हैं, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था, ऐसा ही है? मैम रिपीट कर दे। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या हो गया? हम ये कहते हैं, पीछे हमने बार बार साइन और कॉस के ग्राफ पढ़े, हमें पता है कि ये जो साइन और कॉस के ग्राफ होते हैं ये माइनस वन से वन के दरमियान ऑसिलेट करते हैं हमेशा, ऐसे ही पढ़ा था आपने कि इनकी जो रेंज है वो माइनस वन से वन के दरमियान होती है। जी मैम। अब वो जो वन और माइनस वन है जब फोर या माइनस फोर से मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर जो रेंज बन जाती है वो माइनस फोर से फोर बन जाती है, ऐसा ही है? इन फोर से जब वो मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस वन से वन की ऑसिलेशन माइनस फोर से फोर की ऑसिलेशन बन जाएगी, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो इसी को 1F डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट है वो लोएस्ट पॉइंट s इक्वल टू 4 सेंटीमीटर टू द हाईएस्ट पॉइंट s इज इक्वल टू माइनस 4 सेंटीमीटर के दरमियान ऑसिलेट कर रहे हैं। द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज 2 पाई, ऑसिलेशन का जो पीरियड है वो 2 पाई है क्योंकि कॉस और साइन के पीरियड्स क्या होते हैं? 2 पाई। ओके, 2 पाई पे जाके वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाते हैं, ठीक है? अगर ये यहां से लेके यहां तक पाई है तो 2 पाई, यहां पे ये 0 है तो 2 पाई पे दौड़ के दोबारा 0 हो चुका है, ठीक है? इस तरह 4 पाई पे जाके वो दोबारा 0 हो जाएगा, तो पीरियड्स इनके क्या है? 2 पाई है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। इस फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई है, इस फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई डिस्कस होगा, इस फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई डिस्कस होगा, क्योंकि सारे ही फंक्शन बेसिकली क्या है, या कॉस है या साइन है, और हमें पता है कि कॉस और साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, ठीक है? 2 पाई के बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाते हैं। माइनस फोर से फोर, हाइएस्ट से लोएस्ट पॉइंट के दरमियान वो ऑसिलेट कर रहे हैं और जो पीरियड है वो उनका 2 पाई है। द स्पीड इज वेलोसिटी वी is equal to 4 sin t, जो speed हमने discuss की, absolute value of v velocity की जो absolute value है, that is your speed, that is equal to 4 sin t, ये minus जब mod के अंदर जाता है तो positive form में convert हो जाता है, that is 4 sin t, which is the greatest, उसने कहा ये जो speed हमने देखनी है, कहाँ पर हमारी speed जो है वो greatest है, the speed is greatest है when sin t is equal to 1, जब sin t 1 होगा तो velocity maximum position पे होगी, 4 के ऊपर होगी, ठीक है? ये जो velocity है, ये point जो वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जब साइन टी जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन टी जो है वो 1 होगी, क्योंकि अगर 1 होगी तो वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगी जो कि 4 है। ओके, व्हिच इज ग्रेटेस्ट व्हेन साइन टी इज इक्वल टू 1, दैट इज व्हेन कॉस टी इज इक्वल टू 0, और जब साइन टी 1 होता है तो वहां पे डेफिनेट कॉस टी जो है वो 0 होता है, मींस अगर पाई बाय 2 पे साइन टी 1 है तो पाई बाय 2 पे cos जो होता है वो हमेशा 0 होता है, इसी तरह 3 पाई बाय 2 पे sin अगर 1 है तो cos जो है वो वहां पे 0 होता है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? मींस वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगी जब sin t 1 होगा, और जब sin t 1 होगा तो इसका मकसद ये है कि वहां पर cos t हमेशा 0 होगा। सो द ऑब्जेक्ट मूव्स फास्ट एज इट पासिस थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन s इक्वल टू 0, और जब sin t 1 cos t 0 होगा तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो s इक्वल टू 0 है वहां से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है। इट्स स्पीड इज 0, इसकी स्पीड जो है वो 0 होगी व्हेन sin t 0, अगर ये sin t 0 हो जाए तो जो स्पीड है वो भी आपकी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी, दैट इज एट द हाई एंड लो पॉइंट्स, और ये हमारे हाई और लो पॉइंट्स होंगे, means 4 और 0 के दरमियान। The acceleration is equal to minus 4 cos t equal to 0 when s equal to 0. Acceleration जो है वो आपका 0 हो जाएगा जब s 0 होगा, definite जब s 0 होगा वहां पर आपका acceleration जो है वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। है वो आपके पास cos pi by 2 पे 0 होगा, 3 pi by 2 पे 0 होगा, इन सारी conditions पे हमारे पास जो acceleration है वो भी 0 हो जाएगा। It has greatest magnitude at the high and the low points, अपने high और low points पे इसकी magnitude जो है वो greatest होगी, जो कि हमें graph में show हो रही है। Clear students?
यस मैम यस मैम सो इस सारी कंडीशन को समझने के लिए आप जस्ट डिस्क को देखें कि ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपके कब ग्रेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर होंगे, कब लोएस्ट पॉइंट्स पे होंगे. उसके लिए आपने देखना है कि किन पॉइंट्स पे साइन वन होता है, किन पॉइंट्स पे साइन जीरो होता है, और कॉस जो है वो आपका किन पॉइंट्स पे वन होता है, किन पॉइंट्स पे जीरो होता है. ठीक है, उसके साथ ही आप अपनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है इसको मेजर कर सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर फोर है, फाइंड द 27th डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स. कॉस एक्स का अपने 27th डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम उसका फाइंड करते हैं तो वो माइनस साइन एक्स है. सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो माइनस कॉस एक्स है. थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो साइन आ जाता है. फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो कॉस आ जाता है. फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा. सिक्स्थ डेरिवेटिव जब आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो माइनस कॉस आ जाएगा. और सेवन्थ डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो दोबारा पॉजिटिव कंडीशन में जाना शुरू हो जाएगा. वी सी दैट द सक्सेसिव डेरिवेटिव अकर्स इन द साइकल्स ऑफ लेंथ फोर. सक्सेसिव डेरिवेटिव जो है वो साइकिल ऑफ लेंथ फोर के साथ अकर हुए हैं. एंड इन पर्टिकुलर एफ एन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स व्हेनेवर एन इज मल्टीपल ऑफ फोर. देयरफॉर एफ 24x इक्वल टू कॉस एक्स. ओके, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स आर अकर इन अ साइकिल ऑफ लेंथ फोर. जब साइकिल ऑफ लेंथ फोर में जाते हैं 1, 2, 3 एंड 4, फोर्थ में जाके डेरिवेटिव जो है वो आपका दोबारा से कॉस हो जाता है ओरिजिनल एलिमेंट. ओके, उसके बाद जब आप इसका एट्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो देखें जरा स्टूडेंट्स के क्या दोबारा से कॉस ही आ रहा है. एट्थ डेरिवेटिव करके बताएं जरा. यस मैम, कॉस आ रहा है. कॉस आ रहा है. यस मैम, कॉस. यस. ओके. यस मैम, कॉस. सो मैम फिर 27 साइन होगा. ओके ठीक है. सो व्हेनेवर एन इज मल्टीपल ऑफ फोर, एन जब मल्टीपल ऑफ फोर होगा तो हमेशा आपका कॉस एक्स आएगा 24 तक कॉस एक्स. ओके, अगर 24 तक आपका कॉस एक्स है तो 25 आपका आपको आंसर क्या देगा, माइनस साइन एक्स. और 26 आपको आंसर क्या देगा, माइनस कॉस एक्स. और 27 अगेन आपको आंसर क्या दे देगा, साइन एक्स. जस्ट उसने इसको इसी वे के साथ मेजर किया हुआ है. सो यू कैन सी या यू कैन फाइंड ओवर योर 26 डेरिवेटिव, 25 डेरिवेटिव या 28 डेरिवेटिव, इसी वे के साथ आपने उसको मेजर करना है. फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स 7x ओवर 4x. सो इस पे आप रूल लगाएंगे साइन एक्स ओवर एक्स का. अगर ये साइन 7x है तो नीचे 7 लेके आएंगे और के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. सो 7 के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जस्ट अपना जो एंगल है उसको सेम बनाने के लिए. ये 7x जो अब एंगल के तौर पे मेजर होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो इस एंगल को सेम करने के लिए 7 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है. इफ वी लेट थीटा इज इक्वल टू 7x, मींस थीटा आपका या एंगल जो है वो आपका क्या मेजर हो रहा है, यहाँ पे 7x मेजर हो रहा है. उसके बाद उस पे आप फार्मूला लगा दें, ये 7/4 जो है वो आपका एज इट इज, और इस पे हमारी लिमिट जो होती है वो 1 है, दैट इज 7/4. उसके बाद सिंपल है कैलकुलेट x cot x, दो फंक्शंस है, प्रोडक्ट रूल लगा दें तो आप इसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे. एक्सरसाइज के आपने जो क्वेश्चन करने एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है. क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 21, 23 27 31 भी करना है. क्वेश्चन नंबर 36
वीक रिस्पॉन्स, उसके बाद है चेन रूल। चेन रूल को पढ़ते जाए, इसमें से डेरिवेशन छोड़ने बेशक कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। इसके क्वेश्चन नंबर टू को देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री को देखें, एग्जांपल्स को देखें, फोर से पहले पहले तक सारा रीड आउट करें, कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें, ठीक है जी। स्टूडेंट्स हो गया, अच्छा एक स्टूडेंट ने अभी मैसेज किया था कि पता नहीं थ्योरी समझ नहीं आई, क्वेश्चन समझ आ गए हैं, तो क्वेश्चन तब समझ आता है जब थ्योरी समझ आ जाती हो। थ्योरी में उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ, सिर्फ बताया हुआ है कि आप डेरिवेटिव्स को किस तरह से ले रहे हैं, तो बेटा थ्योरी को अंडरस्टैंड करना सीखें, इसलिए तो मैं थ्योरी करवाती हूँ, वरना मैं सिर्फ क्वेश्चन क्यों ना करवा दूं आप लोगों को। बाय द वे थ्योरी में से भी होगा ना आपका, ठीक है। सो आगे फोर इक्वेशन नंबर, एग्जांपल नंबर फोर फाइव सिक्स, आप सारी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हो जाए मैम, हो जाए। यस मैम, हो जाएंगी बिल्कुल। सोचा हुआ था कि आज मैंने डिस्कस करनी है 3.5 इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, लेकिन टाइम भी थोड़ा गया। मैम इनको करें 3.4 को, जहां कोई क्वेश्चन होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाउ टू प्रूव द चेन रूल, चेन रूल को आपने प्रूफ कैसे करना, ये प्रूफ बेशक आप छोड़ दें क्योंकि आपका फिजिकल एग्जाम तो है नहीं जो प्रूफ्स की जरूरत है, आप सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर लें, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, इनको देख लें। मैम मैम 2.82 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थोड़ा सा रिव्यू दे दें। 2.8 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, बेसिकली आपने जो डेरिवेटिव उसमें मेरा ख्याल है क्या था 2.8 टॉपिक आपका, ग्राफ वाला था मैम, ग्राफ डेरिवेटिव्स की वैल्यूज एस्टिमेट करनी है। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? यस मैम। तो ये आपका फंक्शन का ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब फंक्शन के ग्राफ में उसने जो रेंज रखी है वो आप देख सकते हैं, 1 है तो 1 से 2 होगी यहाँ पर, 2 से 3 होगी यहाँ पर, 3 से 4 तक डिस्कस किया हुआ है उसको, और इधर भी -1, -2, -3, -4 से 4 के दरमियान आपकी जो है रेंज आ रही है, डोमेन सॉरी। अब -4 से 4 के दरमियान जिस भी पॉइंट्स के ऊपर आपने डेरिवेटिव्स डिस्कस करने हैं, मींस एफ प्राइम ऑफ -3 डिस्कस करना है, तो -3 के ऊपर पहले तो आप देखेंगे -3 के ऊपर फंक्शंस की वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, सेकंड स्लोप अपने फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह से आप दो -3 के दो नजदीक तीन पॉइंट्स के ऊपर आप उनको जाके फाइंड आउट करेंगे, तो फिर हम एस्टिमेट कर सकेंगे उसको एफ प्राइम ऑफ -3 के ऊपर। मींस आपने एफ ऑफ एक्स से एफ प्राइम ऑफ एक्स की तरफ जब जाना है तो इन्हीं ग्राफ्स को देखते हुए एस्टिमेट करना है अपनी वैल्यूज को। Use the given graph to estimate the value of each derivative. Use the given graph to estimate the value of each derivative. Then sketch the graph of f prime.
यूज द गिवन ग्राफ, ग्राफ को देखते हुए एस्टिमेट करना है अपनी वैल्यू ऑफ ईच डेरिवेटिव, हर डेरिवेटिव के वैल्यू को. सो एफ प्राइम ऑफ माइनस थ्री, सबसे पहले तो आप देख लेंगे कि आपका फंक्शन यहाँ से इंक्रीजिंग फॉर्म में है, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको जीरो वैल्यू. अगर आप डायरेक्ट एफ प्राइम ऑफ थ्री को एस्टिमेट नहीं करना चाहते तो पहले एफ प्राइम ऑफ माइनस थ्री जो है वो फाइंड आउट करें, उसका स्लोप ऑफ सेकेंड फाइंड करें, स्लोप फिर उसके बाद आप उसके डेरिवेटिव को डिस्कस करें. एक क्वेश्चन फिर मैं आपको करके भेज दूंगी, ठीक है, पूरा इसका उसी तरह से आपने बाकी पार्ट जो है वो कर लेने हैं, ठीक है. ओके मैम. तो आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, इस ग्राफ को देखते हुए एफ प्राइम का. ओके मैम. पहले आर्बिट्रेरी ग्राफ जो है वो आप ड्रा करेंगे, उसके बाद अपनी वैल्यूज जो है उनको एस्टिमेट करेंगे बाय यूजिंग द रूल ऑफ सेकंड. सेकंड में जब हम सेकंड स्लोप जो है वो अपने फाइंड आउट करते थे तो दो वैल्यूज की एस्टिमेशन जो है वो हम लेते थे. इसी तरह से आपने माइनस थ्री पॉइंट पे फाइंड करना है या माइनस टू पे फाइंड आउट करना है, तो उन दोनों के नजदीक तीन पॉइंट के ऊपर अपने स्लोप आप पहले जाके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. मैं ये आपको सॉल्व कर दूंगी, सॉल्व करके एक पार्ट जो है वो सेंड करूंगी, उसके मुताबिक आपने बाकी जो है वो कर लेंगे. ओके थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्लास तक आपने 3.5 टॉपिक जो है इसको खुद एक दफा पढ़ लेना है. 3.5 टॉपिक को मैं जरा जनरली थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि हमारे पास जो एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं या इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, ये आपने पहले पढ़े होंगे. पढ़े हुए हैं या नहीं स्टूडेंट्स? यस मैम पढ़ा हुआ है. यस मैम. इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ वाई क्लियरली लिखे जाते हैं. मैम पढ़े हुए. y in terms of x जो है वो क्लियरली लिखा जा सकता है. यहाँ पर y in terms of x क्लियरली लिखा जा रहा है. ये आपके explicit functions होते हैं. जो implicit functions होते हैं उसमें y जो है वो in terms of x क्लियरली नहीं लिखा जा सकता. जैसा कि यहाँ पे आप y क्यूब देखें तो इधर भी y इन्वॉल्व हो रहा है. आप y को सेपरेट करके लेफ्ट हैंड साइड पे और x को सेपरेट करके राइट हैंड साइड पे नहीं लेके जा सकते. तो जो भी इस तरह के फंक्शन होते हैं जिसमें y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x क्लियरली ना लिखा जा रहा हो, वो आपके implicit functions होते हैं. इम्प्लिसिट फंक्शंस जो है इनको हम फर्दर एक्सप्लिसिट फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि ये फंक्शंस आपको नजर आ रहा है x² + y² = 25, तो हमने इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक दफा प्लस के साथ और दूसरी दफा माइनस के साथ. ओके अब ये आपका एक अलहदा से फंक्शन है और ये अलहदा. यहाँ पर भी जो y है वो इन टर्म्स ऑफ x क्लियरली नजर आ रहा है, यहाँ पर भी y इन टर्म्स ऑफ x क्लियरली नजर आ रहा है. जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसका ग्राफ ये है, जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है उनके ग्राफ ये है. जब पॉजिटिव फॉर्म ली है तो ये ग्राफ ड्रा होता है. ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना आपकी, तो सर्कल बनेगा यहाँ पे. और ये जो आपका दूसरा माइनस के साथ है वो ये हमारा बिलो फॉर्म में जो ग्राफ है ये है. तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन होप्स हो के आपको समझ आ गए होंगे, और ये भी कि इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस में कन्वर्ट हो सकते हैं. ओके यस मैम. क्वेश्चन टू आपकी कौन सी है? यस दिस. अब बेटा जब आप मैंने अभी तक हमने जो पीछे ज्यादातर डिस्कशन की है वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस की है, जिसमें y जो है वो इजीली इन टर्म्स ऑफ x लिखा जा सकता है. जब y इजीली इन टर्म्स ऑफ x लिखा जा सकता हो तो इन ग्राफ्स को हम ड्रा कर सकते हैं अपने पेजेस के ऊपर. लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लिसिट फंक्शंस आ जाएं तो फिर हम उनके ग्राफ इजीली ड्रा नहीं कर सकते कभी भी. उनको फिर हमें डिफरेंट अप्रोचेस लगानी पड़ती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, जैसे मैथमेटिका, फोरट्रॉन, विनएडिट, कुछ भी यूज करके फिर हम अपनी ग्राफिकल अप्रोच देते हैं. जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर टू, नो डाउट कि जो क्वेश्चन नंबर वन है ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन था, लेकिन ये इजीली एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया.
लेकिन ये इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट ही रहेगा, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो इसका जो ग्राफ है वो हम इजीली ड्रा नहीं कर सकेंगे। इसका जो ग्राफ आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है, हम इसको ड्रा नहीं कर सकते। हम किसी सॉफ्टवेयर में इनपुट देंगे तो ये ड्रा होगा, क्योंकि देखें यहाँ पे हम x की वैल्यूज देते हैं, x की डोमेन हमें पता होती है तो y की रेंज आती जाती है, लेकिन यहाँ अब y जब लैदा ही नहीं हो रहा, हमें एट अ टाइम x की और y की वैल्यूज की जरूरत है, तो हम इसको इजी ड्रा नहीं कर सकेंगे। ये कंप्यूटर ग्राफिंग है जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह के फंक्शंस के ग्राफ हमेशा कंप्यूटर्स पर ड्रा होते हैं, मींस इम्प्लिसिट फंक्शंस जो है ये ग्राफिकल अप्रोच हमें मोस्टली मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे देते हैं। It is not easy to solve equation to for y as explicitly as a function of x by hand. उसने कहा ये easy नहीं है कि by hand हम equation number 2 का जो graph explicitly उसको draw कर सकें। A computer algebra system has not trouble. A computer algebra system जो है उसमें कोई खास trouble नहीं होती, but the expression it obtains are very complicated. लेकिन जो expression हमने find करने है या अपनी जो input find या output find करनी है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा complicated होती है। Nevertheless, equation 2 is the equation of the curve card, the folium of Descartes. ये folium of Descartes के नाम से हमारी जो equation है ये denote होती है, shown in figure number 2, and it implicitly defines y as the several functions of f. Implicit function है as several functions of x जो है उनको show कर रही है. The graphs of three such functions are shown in figure number 3. When we say that f is the function defined implicit by equation number 2, we mean that the equation x cube plus f of x cube equal to 6 x, ये f of x y को ही represent कर रहा है, is true for all values of x in the domain of f. तो ये इस function के different graph जो है वो उसने दिखाए हुए हैं बना के different domains की conditions लेके। जरूरी नहीं है कि वो एक ही domain को discuss कर रहे हैं यहाँ पे। Yes, काफी है, मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी definition देना चाह रही थी, अगर आप अपना काम जो है वो सारा को ड्रा कर सकते हैं। सो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो इजीली एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो हमेशा कन्वर्ट हो, बास सूरतों में वो कन्वर्ट नहीं होते। तो जो इम्प्लिसिट फंक्शंस आपके एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते उनको हम बाय हैंड ड्रा नहीं कर सकते। दोबारा ज्वाइन ना कीजिएगा, ओके okay? इसकी डिफरेंट अब आगे एग्जांपल्स हैं। डेरिवेटिव जस्ट आपने फाइंड आउट करने हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, ये आप एक दफा पढ़ लीजिएगा, वैसे हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जहन में रखना है कि ये ग्राफ्स जो है ये बाय हैंड ड्रा नहीं हुए हुए, ये कंप्यूटर ग्राफिंग है आपकी, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जहां पर भी यूज होगा उसके ग्राफ को बनाने की जरूरत नहीं है आपको, वो अगर हुआ तो आपको गिवन दिया जाएगा। इसको आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो भी हमने डिस्कस करने हैं, तो आपको पीछे से अपना इनवर्स का टॉपिक पता होना चाहिए कि किसी एलिमेंट का या किसी वेरिएबल का इनवर्स या किसी फंक्शन का इनवर्स जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, इनवर्स का टॉपिक आपको बताना चाहिए। उसके बाद हम ये सारा 3.5 टॉपिक जो है इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स।